जय हिंद सभी को। सेवन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर, आज की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा खास टॉपिक करने वाले हम लोग, जिस टॉपिक का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर हमारे पास जो छह मौलिक अधिकार हैं, उनमें से छठा मौलिक अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में आता है। और इससे पहले जो पाँच मौलिक अधिकार हैं, तो वहाँ पर अगर किसी को भी समस्या होती है, उन पांचों मौलिक अधिकारों में से अगर किसी का दमन होता है, शोषण होता है, तो आप किसका सहारा ले सकते हैं? छठे मौलिक अधिकार का सहारा ले सकते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा ये मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो कौन सा है? वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अनुच्छेद किस में दे रखा है, आर्टिकल किस में दे रखा है? 32 में दे रखा है, जिसमें पांच रीट आते हैं, जो हर व्यक्ति को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन ये जो छठा हमारा मौलिक अधिकार है, हम इसको समझने में थोड़ी सी भूल कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है। मैं इसके अंदर ऐसा समझा दूँगा आपको कि हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल सकते। शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमारा मौलिक अधिकार, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? सिंपल सा, पहले यहाँ कुछ बातें लिखी हैं, वो जरा ध्यान से देख लेना। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। इसके अंतर्गत न्यायपालिका किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को, याद रखना, मेन जिस पे सर्कल लगा वो याद रखना है, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए आदेश दे सकती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और 24 घंटे से ज़्यादा अगर उसको रखा गया है, तो यहाँ पर वो गैर कानूनी काम कहलाएगा। लेकिन लीगली क्या होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर में उसको कोर्ट में पेश करना ही करना है। तो पहला जो आपका रीट है, समझ में आ गया? पांचों रीट में से पहला रीट है ये, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर में किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करने की अनुमति होती है, किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को। क्लियर हो गया सबको? तो ये चीज़ याद रखना है। मेन चीज़ें याद रखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, पांचों रीट समझ में आ जाएंगे। बस मेन चीज़ याद रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा आप जेल या हवालात में नहीं रख सकते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा देखो लेख कौन सा है, प्रतिषेध लेख। तो इसमें क्या होता है कि इस लेख का अर्थ होता है रोकना या मनाही। मैं यहाँ पे सर्कल बना दे रहा हूँ, रोकना या मनाही। तो यदि कोई कर्मचारी या, ध्यान सुनना, कोई कर्मचारी या संस्था ऐसा कार्य कर रहे हो जिसे करने का उनका कोई अधिकार ना हो, यानी कि भाई उनके अंडर में वो काम नहीं है, कोई भी सरकारी संस्था हो या अधिकारी हो, उनके अंडर का काम नहीं है, फिर भी कुछ पैसे की लालच में अगर वो आकर कर रहे हैं उसको, तो वहां पर जिस जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वहां पर क्या कर सकता है? कोर्ट में पत्र दे सकता है, ठीक है, न्यायालय में, उच्च न्यायालय में पत्र दे सकता है, और वो उच्च न्यायालय प्रतिषेध लेख जारी करके उस संस्था पर, उस व्यक्ति पर कार्यवाही करेंगे और उस पर क्या कर देंगे? रोक लगा देंगे, यानी कि रोक और मनाही कर देंगे। क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। इसलिए मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद है हमारा परमादेश लेख क्या होता है। तो परमादेश लेख क्या होता है, जानिए जरा, कि यदि कोई अधिकारी या, देखना, कोई अधिकारी या सरकारी संस्था अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हों, सिंपल सा, अगर कोई अपना काम सही से नहीं कर रहा हो, आप कहीं गए, किसी अधिकारी ने आपकी बात नहीं सुनी या कोई सरकारी संस्था है आपकी बात नहीं सुन रही है, तो वहां पर कौन सा रीट जारी होगा? वहां परमादेश लेख जारी होगा। ठीक है, तो आप न्यायालय जाओ, न्यायालय में अपना जो है पत्र वगैरह दो, और वहां पर आपकी बात सुनी जाएगी और परमादेश लेख जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगी, और उस व्यक्ति को या उस सरकारी संस्था को वो कार्य करने के लिए जो है मतलब उसको समझाया जाएगा, ठीक है, नोटिस जारी किया जाएगा, ताकि वो व्यक्ति उस कार्य को या सरकारी संस्था है अपने कर्तव्यों का पालन सही से करें। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तीन लेख हो गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें क्या था, 24 घंटे वाला था। प्रतिषेध लेख, इसमें क्या था कि रोकना या मनाही, यानी कोई अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहा हो, कोई काम अपने पास रोक के रखा हो तो उस पर क्या होगा, प्रतिषेध लेख जारी करके उस काम को रोक दिया जाएगा। तीसरी है परमादेश लेख, यानी कि इसमें क्या है मेन चीज, जो अधिकारी हो या सरकारी कोई संस्था हो, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट वहां पे परमादेश जारी करके उनको कर्तव्यों का पालन करने के लिए कह सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है, जो हमारा चौथा लेख है वो है अधिकार प्रेक्षा लेख। बहुत अच्छा लेख है अधिकार प्रेक्षा लेख। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान समझना है कि यदि कोई व्यक्ति अयोग्य है, मैं यहाँ सर्कल कर दे रहा हूँ, ध्यान समझना है, मेन चीज़ें देखना है, यदि कोई अयोग्य व्यक्ति है और उसका उस पद पर कोई
अधिकार नहीं है, वो फिर भी आसीन हो गया, मान के चलो कि कोई अयोग्य व्यक्ति है, फिर भी किसी अच्छे पद पर नियुक्त हो जाता है वो, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि फिर उसको क्या किया जाएगा कि सही व्यक्ति को उस पद पर बैठाया जाएगा, यानी किसके तहत, अधिकार प्रेक्षा लेख, यानी कि कोर्ट यहाँ पर जारी कर देगी अधिकार प्रेक्षा लेख, यानी कि जो योग्य व्यक्ति होगा उसको उस पद पर बैठाया जाएगा और अयोग्य व्यक्ति को वहां से हटा दिया जाएगा। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर बता दिया था आपको, तो उसके विरुद्ध जो है अधिकार प्रेक्षा लेख जारी किया जाएगा और जो अयोग्य व्यक्ति है उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। क्लियर हो गया, अगर कोर्ट को पता चल जाता है तो। उसके बाद है उत्प्रेक्षण लेख, ये लास्ट रीट है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है देखो जरा, इसमें जब किसी व्यक्ति का या जब कोई व्यक्ति यह महसूस करे कि निम्न न्यायालय यानी कोई छोटी न्यायालय उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हों या काफ़ी लंबे समय से उसको उस केस को रोक के रखे हुए हैं, बोलते ना कि समय मतलब टाइम पे टाइम तारीख पे तारीख दिया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि उत्प्रेक्षण रीट, अगर कोई शोषित व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बहुत लंबे समय से कोर्ट के चक्कर काट रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो वहाँ पर वो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाकर उत्प्रेक्षण रीट के तहत वहाँ पर जो है अपना पत्र दे सकता है। फिर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है यहाँ पर कि उस जो छोटी न्यायालय है निम्न न्यायालय है उससे वो केस अपने पास मंगा सकती है या तो उसके ऊपर दबाव बनाएगी कि ताकि वो उस केस को जल्दी सॉल्व करें। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों को समझ में आया होगा, सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये रीट है हमारा, 5 रीट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसकी रक्षा करते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। छठा मौलिक अधिकार इसीलिए बनाया गया है ताकि वो हमारे सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके, जो कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 32 में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे ही साइमन क्लास का सपोर्ट करते रहें और अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंस वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। अगर जिसको भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। साइमन क्लास हमेशा आप लोग के साथ है और कोई भी टेंशन की बात नहीं होगी, सभी लोगों को आंसर मिलेगा और बने रहना साइमन क्लास के साथ। धन्यवाद।